गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एक नया दिन और एक नया ब्लॉग। आज हमें ब्राइट फ्यूचर अकेडमी में, तो चलिए आज हम आपको इस स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैम, तो गाइस आज हम आपको मिलाने वाले हैं ब्राइट फ्यूचर की डायरेक्टर मिस अंजलि शर्मा। मैं अंजलि शर्मा, डायरेक्टर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, न्यू नेड़ा, धारचूला रोड, पिथौरागढ़। हम स्कूल 2008 से रन कर रहे हैं, फ्रॉम प्ले स्कूल टू 10th। तो मैम, हमने सुना है कि आपने अपने स्कूल को रेनोवेट करवाया है। जी बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है कि पिथौरागढ़ का ऐसा पहला प्ले स्कूल है जो प्रैक्टिकल बेस्ड और रियलिस्टिक बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जी, तो क्या आप हमें अपने स्कूल का एक टूर दे सकते हैं? जी बिल्कुल। तो गाइस ये है प्ले स्कूल का एंट्रेंस और ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, देखते हैं। पता चल रहा है कि कितनी क्रिएटिविटी दिखाई गई है। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आखिर अंदर क्या क्या है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या बनाया है। वाओ, ये मरीन लाइफ देखो, ये 3D पेंटिंग कितनी रियलिस्टिक लग रही है। ये फिश कितनी बढ़िया बनाई गई है ना। और ये 3D पेंटिंग देखो ना, बच्चों के लिए एंट्रेंस अगर इतना अच्छा बनाया है तो आगे चीजें कितनी अच्छी बनाई गई होंगी। काफी चीजों में आपने ध्यान दिया है, काफी अच्छी तरीके से इसमें मरीन लाइफ को डिस्क्राइब किया गया। तो मैम, आपने रैक्स किस चीज के लिए बनाए हैं? ये शू रैक्स हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि बच्चे आए और यहाँ अपने शू ओपन करके रखें, उसके बाद प्ले स्कूल में। पाथर वाले घरों का जो 3D स्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा बना रखा है। और वाव, ये एप्पल जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, और ये धुनी, ये काफी क्रिएटिव लग रहा है। और हमारे जो ये जो हमारे गांव में पुराने घर होते थे, ये पाथर वाले घर देखिए ऐसे होते थे। वाह, आपने तो यहाँ पे डोका भी रखा हुआ है। मेरी अम्मा काफी यूज करती है इस डोके को, और आजकल के बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं होगा शायद इसके बारे में, और उनको यहाँ के शायद पता चल जाए ये क्या है। वाव, अरे आपने शहर को भी कितना अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है ना। हाँ, ये एरोप्लेन, मॉडल बलून, क्लॉक टावर जो हमारे भी थोड़ा गिरने की है। हाँ, क्लॉक टावर भी कितना बढ़िया बनाया हुआ है। ये देखिए बिल्डिंग भी काफी अच्छी बनाई है आपने यहाँ पर। ये शहर के साथ आपने जंगल की लाइफ भी कितनी अच्छी दिखाई है, भले वो एक्वेटिक हो या फिर टेरेस्ट्रियल हो ना, काफी अच्छा डिस्क्राइब किया है हर चीज को। और ये ब्रिज भी काफी अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि रियल में यहाँ पे पानी आ रहा है, एकदम रियल व्यू, रियल व्यू लग रहा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं नेचर में आ गया हूँ। वाव, ये मशरूम काफी 3D पेंटिंग है। और ये मेरे दोस्तों के जैसे दिखने वाला हिप्पोपोटामस कितना प्यारा लग रहा है, मैं भी देखूं कैसा व्यू दिख रहा है यहाँ से। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया नहीं बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार दूं। कितना बढ़िया था ना डोरेमोन, तो मेरा फेवरेट कार्टून और शायद सभी बच्चों का फेवरेट होगा, और अभी भी है और सभी बच्चों का फेवरेट कार्टून। हाँ, छोटे बच्चे। मैम, आपने मैट्स किस हिसाब से लगवाई है? ये मैट्स बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लगाई गई हैं। ये सारी मैट्स ISI अप्रूव्ड
और नॉन टॉक्सिक मैट्स हैं। अरे वाह, यहाँ तो बेड भी है। नहीं, बेड भी लगाया है आपने यहाँ? छोटे बच्चे सो जाते हैं तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये बेड बनाया गया है। चारों तरफ से ये पूरा कवर्ड है ताकि कोई भी बच्चा अगर इस पर सो रहा हो तो गिरे ना। फाल्गुनी बचपन के दिन याद आ गए। हाँ यार, बिल्कुल बचपन के दिन याद आ गए। और देखना पेड़ पे मोम की और ये नेस्ट, ये पेड़ कितना प्यारा लग रहा है यार। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सही है, मतलब पेड़ के नीचे पे खड़ी हुई हूँ। और ये बच्चों को भी काफी अच्छा लगेगा। वुडन स्लेट्स आपने स्कूल पे रखी हुई है तो ये मतलब आप बता सकती हैं कि इसका क्या यूज होगा? ये वुडन स्लेट्स इसलिए रखी गई हैं ताकि बच्चों को हम स्टार्टिंग से ही ब्लॉक वाइज, जैसे इनको इस पे जो पेंसिल्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी पूरा वुडन है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा स्टार्टिंग से ही अल्फाबेट्स लिखना सीखेगा। और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यहाँ डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, टाइकॉन्डो, योगा क्लासेस, इवन कुकिंग क्लासेस हमारा स्कूल प्रोवाइड कराता है, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है हमारे स्कूल में, जिससे आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। सो मैम, ये आपने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस स्कूल में, ब्राइट फ्यूचर अकेडमी में एडमिशन करवाना चाहिए। इस स्कूल में हर एक चीज की फैसिलिटी, हर एक चीज को ध्यान रखते हुए बच्चे के बारे में इस चीज का ध्यान रखा गया है। और आपको एक चीज ये भी दिखा दें, देखिए जो हमारा सोलर सिस्टम बना रखा है वो प्लैनेट्स, ये अर्थ, ये मून, एस्ट्रोनॉट, और ये जो एक और चीज दिखाते हैं आपको, ये रॉकेट। ये देखिए मीटियोर्स बताए गए हैं यहाँ पे, और ये सीसीटीवी कैमरास है यहाँ पे, और बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो ऐसे सब ये पूरा प्ले स्कूल है, मैं आपको 360 व्यू दिखा दूँ। काफी सारी चीजें जो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, काफी सारी चीजें यहाँ होनी है और वो हम आपको अगले व्लॉग। सो गाइस, यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड भी बनाया गया है, जो कि ठीक बहुत अच्छे व्यू के, इसके सामने बहुत अच्छा व्यू है और इसके चारों ओर बहुत ग्रीनरी भी है और एक ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, तो कोई बहुत अच्छा ग्राउंड है देख सकते हैं। ये है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का कंप्यूटर लैब और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। ये प्रोजेक्टर लग रखा है, ये कंप्यूटर और ये लैपटॉप, और यहाँ पे हर एक बच्चों के लिए कंप्यूटर है, मतलब किसी के लिए भी कमी नहीं होगी, ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है। और ये स्मार्ट क्लास है। तो आगे अब आपको हम दिखाएंगे साइंस लैब, और ये रहा हमारा पूरा 360 व्यू जो कंप्यूटर लैब का है, आप देख सकते हैं ये प्रिंटर लैपी और ये कंप्यूटर्स। चलो, तो ये है साइंस लैब, एक बार ऐसे दिखा दीजिए। ये माइक्रोस्कोप ही छोटे बच्चों के लिए सारे इक्विपमेंट सभी बंद कर रखे हैं, ये साइंस लैब है। और बाकी ये काफी अच्छा वेटिंग रूम भी बनाया गया है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए यहाँ पर बुक्स भी काफी सारी रखी हुई है और यहाँ पर पेंट भी काफी अच्छा किया गया है, तो बच्चों के लिए काफी अच्छा है, मतलब कह सकते हैं कि काफी क्रिएटिव वर्क किया गया है। थैंक यू। तो गाइस, ये था एक ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का जो हम स्कूल टूर करा रहे थे आपको, और एंट्रेंस है। इसके साथ हम इस ब्लॉग को यहीं वाइंड अप करते हैं। बाकी होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।